गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम लोग आपके हिंदी में चैप्टर नंबर थर्टीन पार्ट्स वन स्वच्छता उसके बारे में पूरा लेसन समझेंगे और देखेंगे सो नाउ टेक आउट ऑल द स्टूडेंट्स पेज नंबर नाइन्टी वन चैप्टर नंबर थर्टीन स्वच्छता स्वच्छता और स्वास्थ्य का घनिष्ठ संबंध है स्वच्छता के अभाव में गंदगी फैलती है गंदगी रोगों की जड़ है यदि हम स्वच्छता संबंधी सतर्कता रखें तो उचित स्थान पर ही कूड़ा डालें और स्वच्छ जगत सुंदर जगत का निर्माण कर सकते हैं साथ ही स्वस्थ भी रह सकते हैं यानी कि जीवन में स्वच्छता का बहुत ही महत्व है स्वच्छता और स्वास्थ्य दोनों मित्र हैं जहाँ स्वच्छता है वहाँ आरोग्य है वहां स्वच्छता के अभाव में गंदगी भी फैलती है इस तरह से गंदगी है वह रोगों की जड़ और मूड़ कहलाती है स्वच्छता मन को प्रसन्न रखती है यदि हम उचित स्थान पर ही कूड़ा डालें तो ये पूरा जगत सुंदर और स्वच्छ बन जाएगा साथ में हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा तो इस तरह से हम लोग चैप्टर आगे देखते जाएंगे ये तो मैंने आपका ये थर्टीन चैप्टर का पूरा मोरल बताया पेज नंबर नाइनटी वन एक दिन अजय ने मोहन मोहन को अपने जन्मदिन पर बुलाया मोहन ने उसे उपहार में देने के लिए कहानियों की एक पुस्तक खरीदी उसे रंगीन कागज में लपेटा और अजय के घर पर चल पड़ा जैसे ही मोहन अजय की गली में पहुंचा उसके ऊपर केले का एक छिलका आ गिरा छी छी कितनी बुरी आदत है सड़क पर छिलका फेंकना मोहन ने मन में सोचा उसने छिलका उठाया और इधर उधर देखा कुछ देरी पर उसे एक कूड़ादान दिखाई दिया उसने छिलका उसमें डाल दिया बहुत सा कूड़ा कूड़ेदान से बाहर फैला हुआ था वहाँ मक्खियाँ भिनक रही थी चारों ओर गंदगी फैली हुई थी कुछ और आगे बढ़ा तो मोहन को बड़ी बदबू आई उसने देखा नालियों में कूड़े के कारण पानी रुका हुआ है उसी पानी से की थोड़ी बदबू आ रही थी मोहन नाक पर रुमाल रखे अजय के घर पर पहुंचा वहां अजय के और भी कई मित्र आए थे अजय ने मोहन को अपनी माँ और पिताजी से मिलवाया अजय की दादी जो बीमार थी मोहन ने उनसे भी मिलवाया मेज़ पर खाने की बहुत सारी चीज़ें रखी थी जिन पर बार बार मक्खियां आती जाती रहती थी मोहन ने अजय से कहा अजय तुम्हारे मोहल्ले में इतनी गंदगी क्यों है क्या नगर पालिका इसे साफ नहीं करवाती अजय की माता जी ने कहा बेटा नगर पालिका की गाड़ी आया करती है जगह जगह कूड़ेदान भी है पर कुछ लोग उनमें कूड़ा नहीं डालते वे कूड़ा सड़क पर ही फेंक देते हैं इसीलिए सफाई नहीं रहती है दूसरे दिन पाठशाला में मोहन ने अपने अध्यापक को यह बात बताई अध्यापक ने कहा तुम ठीक कहते हो मोहन गंदगी बहुत से रोगों की जड़ है नगर पालिका काम नगर को स्वच्छ रखने का है तो हमें भी नगर पालिका की सहायता करनी चाहिए चलो एक दिन हम सब अजय के मोहल्ले में चलेंगे और स्वयं ही सफाई का, का काम प्रारंभ करेंगे सभी ने निश्चय किया रविवार के दिन सभी अजय के मोहल्ले में गए सबके हाथ में एक एक टोकरी और एक एक झाड़ू उठाया सड़क पर झाड़ू लगाकर उन्होंने कूड़ा इकट्ठा किया नालियों की सफाई की और पानी का अच्छा रास्ता बनाया उनमें मक्खी मच्छर मारने वाली दवा भी डाली कूड़ेदान पर ढक्कन रखा मोहल्ले में रहने वाले सभी लोग बाहर निकल आए और उन्हें देखने लगे बच्चों में बहुत उत्साह था देखते ही देखते ही पूरा मोहल्ला साफ हो गया अध्यापक ने लोगों को समझाया कि वह घर का कूड़ा कूड़ेदान में ही डाले वे घर के आसपास सफाई रखें क्योंकि गंदगी से रोग फैलते हैं उन्होंने कहा मेरी पाठशाला के बालक सप्ताह में एक बार यहाँ आया करेंगे किसने कहा था गुरुजी ने वे आपके मोहल्ले को साफ करेंगे आप सभी इस काम में उनकी सहायता करोगे एक व्यक्ति ने आगे बढ़कर कहा नहीं नहीं इन बच्चों को आने की कोई आवश्यकता नहीं है हम लोग स्वयं ही अपने मोहल्ले को स्वच्छ रखेंगे और साफ सुथरा रखेंगे अब आप इसे हमेशा साफ सुथरा ही पाएंगे तो इस तरह से जीवन में स्वच्छता का क्या मूल्य है वह ये लेसन में बताया गया था तो आज थोड़े ऐसे ही शब्दार्थ हम लोग देखते जाएंगे जो लेसन के रिलेटेड थे स्वच्छता यानी कि सफाई और निर्मलता छिलका फल आदि का आवरण बदबू दुर्गंध और बुरी गंध ये सभी सिमिलर वर्ड्स हैं उत्साह उमंग और जोश प्रथम तो पहला कूड़ादान कचरा डालने का पात्र दोष तो अवगुण और अपराध उपहार तो भेंट और नजराने की कोई वस्तु सप्ताह सात दिनों का समूह मोहल्ला गली या सेरी सेरी वह है वह गुजराती का वर्ड्स है वैसे गली ही कहा जाता है तो आज ये वीडियोस में हमने चैप्टर नंबर थर्टीन को पूरा समझा और देखा साथ में उसके डिफ़िकल्ट वर्ड यानी कि ग्लोजरी शब्दार्थ भी देखे तो आज के वीडियोस में ये आप लोगों को जो मैंने ग्लोजरी समझाई वह आपको आपकी क्लास और कॉपी में लिखना है और लेसन को लर्न करते जाना है नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग क्वेश्चन आंसर के साथ पार्ट टू में आगे मिलेंगे तब तक सबको गुड बाय टेक केयर सेल्फ